हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में माता के अश्विन मास के शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर से माता के अश्विन मास के शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिसके चलते शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने की। इस बैठक के दौरान मंदिर अधिकारी हुसन चंद चौधरी के अलावा मंदिर न्यासी भी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम सुभाष गौतम ने मंदिर क्षेत्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोविड-19 के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाष गौतम ने बताया कि 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक माता के पावन शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन पूरी तरह से सजग है और नवरात्रों में श्रद्धालुओं को व्यापक सुविधाएं मिले, इसको लेकर मंदिर न्यास ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आज मंदिर न्यास की अहम बैठक में मंदिर न्यासियों के साथ मेला के दौरान प्रदान की जाने वाली व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं को किस प्रकार माता जी के दर्शनार्थ भेजा जाना है और अन्य व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। देखिए, आज नैना देवी जी में जो है यहाँ पे कार्यालय में जो ट्रस्टीज हैं उनके साथ जो आने वाला मेला अश्विन है उसके बारे में चर्चा की गई। उनके जो सुझाव रहते हैं वो हमारे लिए मेले को कंडक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, तो उनसे जो है इसके बारे में चर्चा की गई है और फर्दर जो है इस संबंध में जो बैठक होगी तो उनके जो सुझाव आए हैं तो उनको सरकारी स्तर पर भी कार्यालयों के स्तर पर और विभागों के स्तर पर कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को जो है अच्छी से अच्छी सुविधा जो है नवरात्रों में अश्विन मेला के दौरान जो हम श्रद्धालुओं को प्रोवाइड कर सकें उसके बारे में चर्चा की गई है और उनको जो है अक्षरक्ष हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उस संबंध में जो है आगामी बैठक जो है विभिन्न विभागों के साथ जो सामंजस्य करने के लिए रखी जाती है तो वो 6 तारीख को रखी गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।